नमस्कार, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से पेश किए जाने वाले डॉक्टर के शो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस शो का मकसद है हमारे वेदों पुराणों में छुपी जानकारियों को आप तक सरल भाषा में पहुंचाना। और आज हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच की। आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, लेकिन साथ में ये भी कह देता है खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमारे वेद इस बारे में क्या कहते हैं, हमारी साइंस इस बारे में क्या कहती है, तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल हैं। डॉक्टर, स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर यही जानना चाहेंगे, वेद हमारे जो है पॉजिटिव अप्रोच के बारे में क्या कहते हैं, और यदि एक आदमी पॉजिटिव रहता है तो जीवन पे किस तरह उसका असर पड़ता है। अगर हम बेसिक्स में जाएं, सब लोग बोलते हैं कि मेरे को स्ट्रेस है, मेरे को तनाव है। स्ट्रेस इज द रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड और द माइंड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सिचुएशन। ओके, तो या तो सिचुएशन ऐसी है जो आप बदल नहीं सकते, आपकी रिएक्शन को आप योग के द्वारा बदल सकते हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन, कि वो जो आपको चीज तकलीफ दे रही है उसका आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। वेदों के अनुसार तीन इंटरप्रिटेशन से आप उसको चेंज कर सकते हो। पहला है अपोजिट सोचो। आपका मन कर रहा है इस वक्त में चोरी करने का, तो उस वक्त में आंखें बंद करके एक चीज, कोई भी चीज किसी को दान कर दो। okay. आपने अपनी भावना बदल दी, ठीक है। या फिर आप डिफरेंट सोचो। डिफरेंट सोचने का मतलब है कि आप उस वक्त में अपने आप को डाइवर्ट कर लो। आपका मन कर रहा है चोरी करने का, तो उस वक्त में आप बोलो अच्छा मैं गाना सुनता हूं। आपने अपना मन, अपनी इंद्रियों को डाइवर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट थिंकिंग। थर्ड है पॉजिटिव थिंकिंग। उस वक्त में आप एक पॉजिटिव चीज सोचना चालू कर दो कि मुझे ये करना है, मुझे ये प्लान करना है, यू स्टार्ट। सो तीन ऑप्शंस हमारे पास में वेदों ने दिए हैं। वेदों में एक आदि शंकराचार्य ने दिया है, एक पतंजलि ने दिया है, और एक बुद्धा ने दिया है। वेदों में तीनों लिखे हुए हैं, लेकिन जो एम्फेसाइज किया वो या तो योग सूत्र पतंजलि ने एम्फेसाइज किया, या जो योग सूत्र पतंजलि ने किया वो अपोजिट सोचो, जो पॉजिटिव सोचो है वो बुद्धा ने कहा है, और जो डिफरेंट सोचो वो है आदि शंकराचार्य ने कहा है। तीनों का वर्णन योगा वशिष्ठ के अंदर में आता है। अब जैसे हम क्या करते हैं आज की डेट में, हम लोगों से पूछते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोगों से सवाल पूछते हैं कि दिन भर में आप ये वर्ड ओ शिट कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर वो बार बार बोलते हैं कि हमारे मन में ये दिमाग में आता है कि तू तो पागल है, ठीक है, या ओ शिट, सो दे हैव ए नेगेटिव थिंकिंग। अगर वो ओ गॉड बोलते हैं, जो ओ गॉड बोलते हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग है। अच्छा, तो पॉजिटिव है ये, ठीक है। फिर हम लोगों से एक सिंपल एक्सरसाइज बोलते हैं, वो है कि तीन अक्षर का एक वर्ड बनाओ। सेकंड अक्षर ए है, थर्ड अक्षर डी है। तो 90% लोग बोलेंगे बी ए डी बैड और एम ए डी मैड। ओके, सो ये पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। तो 10% लोग बोलेंगे डी ए डी डैड। 10% वो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी के आपके मन में कोई भी सिचुएशन में पहला वर्ड नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। अगर आपके मान लीजिए घर में कोई आदमी लेट हो गया आने के लिए, तो अगर फीलिंग आती है अरे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, वो नेगेटिव फीलिंग है। तो कोई भी स्ट्रेस में पहली सिचुएशन क्या होती है, अगर वो बुरी सिचुएशन है तो इसका मतलब है नेगेटिव फीलिंग है। बहुत अच्छा आपने बोला है। नेगेटिव थिंकिंग क्यों होती है, क्योंकि बचपन से हमें नो सिखाया गया है जी। कि बचपन से ही हमें इस पे हाथ नहीं लगाना, कुत्ते के पास नहीं जाना, बिल्ली के पास मत जाना, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर में हाथ मत लगाना, हीट के पास मत जाना, हमें नो ज्यादा सिखाए गए हैं, पॉजिटिव कम सिखाए गए हैं। यस की बजाय, ओके। सो हम क्या कहते हैं कि स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। लोग गेम्स खेलते हैं, हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ड्स की अंताक्षरी खेलो। जैसे कि, जैसे आप बोलो ओके माँ, माँ से मदर, अब तुम बोलो आर से, बोलेगा आर से रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ओके, ठीक है। अब बोलोगे टी, टी से टाटा, जी से ग्रेटफुल, या टी से आप कोई भी पॉजिटिव, टुनाइट।
सो इसको इस तरीके से आप अंताक्षरी को गानों के बदले पॉजिटिव वर्ड्स की अंताक्षरी खेलो। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी कोई वर्ड बोलना है तो पॉजिटिव बोलना है। और हमारे वेदों ने आपने जैसे कहा है कि वर्णन कर भी, बुद्धा कहता है कि कोई भी चीज बोलने से पहले सोचो क्या ये जरूरी है, क्या ये सच है, क्या ये काइंड है। काइंड का मतलब पॉजिटिव वर्ड। तो अपनी डिक्शनरी में पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढो। सबसे डिफिकल्ट चीज जो दुनिया में है वो है दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उसको अप्रिशिएट करना चालू करो दूसरे लोगों को। दैट्स अ पॉजिटिव। सो बी पॉजिटिव इन लाइफ। जैसे हम लोगों का एक प्रिस्क्रिप्शन है मेरा कि मंडे को नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। जी, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि डॉक्टर के अग्रवाल के बारे में बोलिए, अगर आपने बोला डॉक्टर के अग्रवाल बहुत अच्छे हैं तो ये वायलेंट कम्युनिकेशन है। अच्छा, क्योंकि अच्छे बोल रहे हैं। आपने बोला बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है यू आर गिविंग ए जजमेंट। ओके। लेकिन अगर आप बोलते हो मेरे को अच्छे लगते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। ओके। तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना? जो आपने बोला मेरे को अच्छे लगते हैं, दूसरों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जहां आपने बोला डॉक्टर के अग्रवाल अच्छे हैं, इसका मतलब है कि बाकी लोग जो वहां बैठे हैं उनको मानना पड़ेगा। तो डिस्कशन आ गया, कंपैरिजन आ गया, वो वायलेंट हो गया। डॉक्टर, मैं यहां पे बिल्कुल आपसे मैं खत्म कर दूं। जी, ट्यूसडे को हम बोलते हैं कन्फेशन। वेडनेसडे को बोलते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट, सबको अप्रिशिएट करो। थर्सडे को थिंक डिफरेंटली। फ्राइडे को बी विद द नेचर। सैटरडे को से मे आई हेल्प यू। ओके। इन सब के अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है। पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है। नाउ जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतने आपके शरीर में सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा। मेडिकली ये सब। उतना यू विल शिफ्ट फ्रॉम सिंपैथेटिक टू पैरासिंपैथेटिक मोड, उतनी इंटरनल हीलिंग आपके बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपने अभी जिक्र किया कि आप पॉजिटिव अप्रोच रखिए और पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए। तो डॉक्टर, अगर हम अपने व्यूअर्स से कहें कि सपोज वो डिप्रेशन में है और चाहते हैं बदलना, तो अपने घर से ही शुरुआत करें, अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनको अप्रिशिएट करें थोड़ा बहुत, तो शुरुआत क्या कर सकते हैं वहां से? जी हाँ, बेसिकली पॉजिटिव का हमें डेफिनेशन करना होगा कि पॉजिटिव की डेफिनेशन क्या है। कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर घर में ही कोई अच्छा काम नहीं, पॉजिटिव की डेफिनेशन है कि जो चीज मेरे अलावा और उसके अलावा बाकियों को भी फायदा करे। अच्छा, अगर मेरे को खुशी हो रही है, दूसरों को नुकसान हो रहा है, तो वो पॉजिटिव नहीं, तो वो पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग मींस सबका भला। बिल्कुल, दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज। डॉक्टर, एक और एग्जांपल है जो बहुत ही कॉमनली हम लोग पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं कि ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक अप्रोच, जो बताते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है आधा ग्लास खाली है। तो जो पॉजिटिव होते हैं हम बोलते हैं नहीं आधा ग्लास भरा हुआ दिया है, लेकिन जिनकी अप्रोच नेगेटिव होते हैं तो वो बोलते हैं खाली है ये। सो दुनिया में कभी भी कोई गलत नहीं होता। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। या वो सही होता है या अलग होता है। अलग होता है, बिल्कुल। तो जो अलग है इसका मतलब है कि वो ये सोच के चले कि बाकी लोग जो है अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए लोग उसको गलत बोल रहे हैं। अगर आपने अपने आप को कंपैरिजन करने से रोक दिया, यू आर हैप्पी इन लाइफ। सो याद रखिए, बड़ों से आशीर्वाद लो, छोटों को आशीर्वाद दो, अपने वालों के साथ में संबंध रखो, बाकी सबको इग्नोर करो। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर बोला साइंटिफिकली इसका असर होता है जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो सेरोटोनिन जो केमिकल्स हैं और कई मेडिकल रिसर्च प्रूव कर चुकी हैं कि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपका इम्यून बूस्टअप हो जाता है, आप कोल्ड एंड कफ से आसानी से लड़ते हैं, आपको हार्ट डिजीज कम सताती है। इसको हम चिंपैंजी इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं चिंपैंजी इफेक्ट। बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी बॉडी में क्या होता है सर, जब हम चिंपैंजी इफेक्ट, क्या होता है कि एक चिंपैंजी घर में, वहां पर मान लीजिए फैमिली है, उसकी वाइफ है, दो बच्चे हैं, और उस चिंपैंजी की डेथ हो जाती है। जैसे ही बड़ा लड़का चिंपैंजी का हेड बनता है, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। अच्छा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कुर्सी का नशा। ओके। एग्जांपल लेके चलें, हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए अनफिट थे, इलेक्शन नहीं लड़े। बिल्कुल। उनकी हार्ट की कंडीशन के अनुसार में उनकी हार्ट की पंपिंग एक्शन लो थी, सडनली उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, चिंपैंजी इफेक्ट चालू हुआ। इमीडिएटली उनकी बॉडी का सेरोटोनिन लेवल बढ़ा, मेलाटोनिन लेवल कम हुआ, एंडोर्फिन लेवल बढ़ा, और एकदम से उनके अंदर में, हार्ट के अंदर में रिकवरी चालू हो गई ऑटोमेटिकली।
इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग 70 साल के 75 साल के हैं उनको अगर आप कोई जिम्मेवारी दे दो तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग में ये भी है कि आप पॉजिटिव काम करो, जब आप लग के पॉजिटिव काम करते हो आपके शरीर का हार्मोनल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है एंड आपकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक मैसेज हम अपने व्यूअर्स को ये भी दे सकते हैं कि घर में बहुत बड़े बूढ़े होते हैं और बहुतों की देखा गया कि बीमारियां लगी रहती हैं, तो एक मैसेज शायद उनके लिए भी है कि उनके लिए भी जिम्मेदारी। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। माय ग्रैंडफादर इन लॉ जी विष्णु सांखी नाम था उनका, लॉयर थे। जब मेरी शादी हुई तो उनकी उम्र 85 साल की थी। तो उन्होंने सब लोगों को बुला लिया घर में, सब 400 लोग इकट्ठे कर लिए उन्होंने अपने बर्थडे पे जुलाई के महीने में। 20 जुलाई को उनका बर्थडे होता है। उन्होंने बोला कि मैं तो निवृत्त हो गया, अब तो वीना की शादी हो गई है, अब मेरा कोई काम नहीं रहा इस दुनिया के अंदर में, तो मेरा ये आखिरी साल है, सब लोग आ जाओ। ओके, ठीक है। सब लोग आ गए जी। एक साल हो गया नहीं गए, तो अगले साल उन्होंने फिर वही नाटक किया, फिर अगले साल आधे लोग आए, फिर वो नाटक किया, फिर कम होते चले गए, सब लोग बोल रहे हैं कि ये तो जाते ही नहीं जी, ठीक बात है, तो फिर हम उनके साथ बैठे जी। हमने उनको कहा कि आप एक काम करो, आज से रोज एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखो। ही वॉज ए लॉयर, ही वॉज ए वेरी रिस्पेक्टफुल लॉयर फ्रॉम नागपुर। हमने कहा एक लेटर रोज लिखो, और आपके घर में इतने बड़े परिवार में इतने सारे लोग लॉ कर रहे हैं, आप उनको लॉ पढ़ाओ। अब हमने उनको एक जिम्मेवारी दे दी, ठीक है। उस जिम्मेवारी के बाद में अब उनका ध्यान भटक गया, पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव आ गया ना, मुझे पढ़ाना है, मुझे प्रधानमंत्री को लेटर लिखना है, रोज मुझे पेपर्स पढ़ने हैं, एंड ही कंप्लीटेड 100 इयर्स। ओके, दैट इज व्हाट पॉजिटिव थिंकिंग इज। सो डॉक्टर, एक प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है बिल्कुल, कि उसके बाद क्या उन्होंने बुलाया आप लोगों को नेक्स्ट ईयर? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी ना, अब उनका एक लाइफ का एम हो गया ना, उनके मन में एक भावना आ गई थी कि मेरी लाइफ का पर्पस खत्म हो गया, हमने एक नया पर्पस डाल दिया। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। एक और एग्जाम्पल है कि एक खेमकास करके हमारे पेशेंट थे, उनको डॉक्टर मैथ्यूज ने ऑपरेट किया और उनके कैंसर प्रोस्टेट का पूरे शरीर में फैला हुआ था। उन्होंने ऑपरेशन वैसे ही बंद कर दिया, मतलब कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और उन्होंने कहा कि अब इनमें बचने की उम्मीद नहीं है। हमने राधेश्याम खेमकास जी, जो अब हमारे साथ में नहीं है, उनको बुलाया, उनके बड़े बेटे को। हमने बोला हम एक गेम खेलेंगे, मैंने आज रात को पार्टी का इंतजाम करो, सबको बुलाओ, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ किसी को नहीं बोलोगे। तो हमने रात को पार्टी करी, बाबूजी को साथ में लेकर गए, और हमने वहाँ घोषित कर दिया कि मिरेकल हो गया है, जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा ऑपरेशन किसी ने नहीं किया कि इतना भयानक कैंसर को क्योर कर दिया। तो द फीलिंग केम टू एवरीबॉडी, पॉजिटिव फीलिंग कि इनका कैंसर ठीक हो गया। अब उसके बाद से अगले दिन से जितने भी लोग आए बाबूजी के बाद में, बाबूजी आप तो भगवान हो, आप तो क्या, आपके इंसान हो, आपका तो कैंसर ही क्योर हो गया। एंड ही लिव्ड फॉर 9 ईयर्स। जहाँ उनको 9 महीने नहीं थे, 9 साल तक वो जीते रहे। सो पॉजिटिव थिंकिंग हैज ए रोल, पॉजिटिव एफर्मेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग हैज ए लॉट ऑफ रोल टू प्ले बायोकेमिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मेरा इसी से रिलेटेड है, जैसा कि आपने बोला कि उनको एक एटमोसफेयर ऐसा मिला कि पॉजिटिव लोग उनके आसपास थे, एफर्मेशन आने लगी। ये भी कहा जाता है कि एक दिन में आप पॉजिटिव नहीं हो सकते, मिरेकल नहीं होगा, ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, जो आपने एग्जांपल दिया है, तो किस तरह से वो मदद करते हैं? तो आपने एग्जांपल से बनाया, तो क्या कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं? केमिकल रिएक्शन तो एंडोर्फिन्स हैं और सेरोटोनिन है, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो ये जो हमारे हैप्पी मॉलिक्यूल्स हैं, इसका भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं दोबारा से, कि भगवद गीता ये कहती है कि जैसी आपकी सोच टर्मिनल होती है वैसे ही नया जन्म होता है, उसी सोच के साथ आप पैदा होते हो, और जैसी सोच आपकी पूरी ज़िंदगी होती है वैसी ही सोच आपकी टर्मिनल होती है। अब इसको मैं डे में लेके चलूँ, जैसी आपकी सोच दिन भर है वैसी ही आपकी सोच रात को होगी, और जैसी ही आपकी सोच रात को है वैसी ही सोच से आप सुबह उठाओगे, तो स्ट्रेस फ्री हो। अब मैं आगे और चल रहा हूँ, इसको मैं फर्दर माइन्यूट लेवल पर जा रहा हूँ, कि इस वक्त में अगर मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो एपोप्टोसिस के कारण से जो मेरी सेल्स मर रही हैं और वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में पैदा होंगी, और इस वक्त में मैं गुस्से में हूँ तो गुस्से की सेल पैदा होंगी। तो आज से अगर मैं पॉजिटिव सोचना चालू करूँ तो 3 महीने से 1 साल के अंदर मेरी पूरी बॉडी की जो नई सेल्स आ रही हैं वो हैप्पी फीलिंग के साथ में आ रही हैं। सो आई चेंज
तो मैं अपने आप को एक साल में अपनी पर्सनैलिटी को पूरा चेंज कर सकता हूँ। 3 महीने में इसके असर आने चालू होते हैं। सो एनी चेंज इज ए गुड चेंज। तो अगर आज भी ये कहने का नहीं है कि हम आज से कुछ, अब तो जो हो गया सो हो गया, योर बॉडी रीजनरेट्स बाय इटसेल्फ। 3 महीने से एक साल में पूरी बॉडी आपके सेल्स जो है वो नहीं आ जाती हैं, तो उस सेल्स को हैप्पी सेल्स बनाओ। और वो अगर हैप्पी सेल्स हैं, उसमें सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा है, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन लेवल कम है, एंडोर्फिन्स लेवल ज़्यादा है, एम्फेटामिन लेवल ज़्यादा है, तो आपके शरीर के अंदर में हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा होगी, पैरासिम्पथेटिक स्टेट ज़्यादा आएगा, फेस का ग्लो ज़्यादा आएगा, मिरेकल ज़्यादा होंगे आपको, टेलीपैथी ज़्यादा होगी, रिवर्स टेलीपैथी ज़्यादा होगी, स्पॉन्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स होगा, ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट करने के लिए मिलेंगे। टेलीपैथी की बात करें, हमारे बहुत से दर्शक हैं बिल्कुल जानते ही नहीं होंगे कि टेलीपैथी एग्जैक्टली होती क्या है। जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव अप्रोच रहेगी तो टेलीपैथी भी होगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप यू विल शिफ्ट फ्रॉम सिंपैथेटिक टू पैरासिंपैथेटिक मोड, देन यू विल बी कनेक्टेड टू योर सोल मच ऑफन। ओके, माइंड इंटेलेक्ट ईगो की जो डिस्टर्बेंस है वो कम हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू कैच सिग्नल्स। आप मेरे बारे में सोच रही हैं जी, आपने सोचा तो आपके सिग्नल्स वर्चुअल क्लाउड में आए, बिल्कुल ठीक है, वो मैंने कैच कर लिए, क्योंकि आपको फ़ोन करने में 10 सेकंड लगेंगे लेकिन मेरे को कैच करने में 2 सेकंड लगे। मैंने आपका सिग्नल कैच कर लिया, इतने में 8 सेकंड के बाद में आपका फ़ोन आ गया, दैट इज़ टेलीपैथी। टेलीपैथी के लिए मेरे को मेरे जो वाइब्रेशंस हैं, जो मेरा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रिक्त अगर मेरा माइंड है तो मेरी टेलीपैथी बढ़ेगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, आपका पॉजिटिव माइंड है, इंटरफेरेंस कम है, डिस्टरबेंस कम है, यू विल कैच सिग्नल्स। और यहाँ पे टेलीपैथी को इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कई बार आप किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे होते हो, सडनली उसका फोन आ जाता है, या आप दरवाजा खोलते हैं और जिस रिलेटिव के बारे में आप सोच रहे होते हैं वो रिलेटिव सामने खड़ा होता है। एक और बात कही जाती है डॉक्टर की, अगर आपकी पॉजिटिव अप्रोच आपको रखनी है, खुश रहना है, तो आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। तो खान पान किस तरह से जुड़ा हुआ है? सिंपल आंसर है, सात्विक खाना। सात्विक खाना, सात्विक खाने का मतलब है कि जो चीज पेड़ों की ऊपर की शाखाओं में और पत्तियों में और फलों में होती है वो सात्विक खाना है जी। या सात्विक खाना वो है जो अंकुरित है, वो है, या सात्विक खाना वो है जो उबला हुआ है, लो हीट के अंदर में आयुर्वेद के हिसाब से बनाया गया है, भावना के साथ में बनाया गया है, ये सारे सात्विक खाने हैं। सो सात्विक खाना ज़्यादा, तामसिक सबसे कम, राजसिक नंबर 2 पे। खाने सारे आपको खाने हैं लेकिन सात्विक खाना जो है आपको प्रेडोमिनेंट करना है। लेकिन साइंस से कैसे रिलेट करें? साइंस इसको ऐसे रिलेट करती है कि आज की डेट में 50% ऑफ योर डाइट शुड बी सात्विक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स। सात्विक फूड मेरे मानसिक मन को सात्विक बनाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग मेरी ज़्यादा बढ़ती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके चलूँ, कई स्टडीज हैं जो कहती हैं कि 2 प्रकार के लोग मीट खाते हैं, एक हलाल और एक झटका। जो झटका वाला मीट है उसके जो सेल्स हैं वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन हलाल वाले के जो सेल्स हैं, फियर, एंगर, डर, जैसे आप उस धीरे धीरे काट रहे हो, तो जो बछड़ा है या जो बकरी है या बकरा है उसकी सेल्स के अंदर में सारे नेगेटिव हार्मोन्स घुस जाएंगे। अब मैं किसी ऐसे बकरे को खा रहा हूँ जो हलाल हुआ है, तो उसकी सेल्स के अंदर में एंगर के हार्मोन्स हैं, फियर के हार्मोन्स हैं, तो उसके अंदर में ये देखा गया है कि ऐसे लोगों के अंदर में राजसिक और हिंसक भावनाएं बढ़ती हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके साथ में जो है। सो इसलिए हमेशा अगर आपका जैसे आप खाना है, आप साफ मन से बिना स्ट्रेसफुल के, आजकल तो बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं कि खाना खाते वक्त में 5 इंद्रियों का ध्यान खाने पर लगाओ, TV मत देखो, पेपर मत पढ़ो, बातें मत करो, तो ये सब पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर में, पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर में आता है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। ये भी कहा जाता है आप योग करिए, आप सुबह घूमिए, तो आप में जो केमिकल्स हैं, जो साइंटिफिक रिएक्शंस अंदर होता है बॉडी का, वो बढ़ता है। याद रखिए, योग मींस शिफ्टिंग फ्रॉम सिंपैथेटिक टू पैरासिंपैथेटिक मोड। अगेन, सिंपैथेटिक हमारे शरीर में कब यूज होता है? मान लीजिए, कहते हैं एक बीमार आदमी जो बिल्कुल मरियल सा है, सामने सांप आ जाए तो उसके शरीर में ताकत आ जाती है, उठ के भागेगा, इसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर फाइट और फ्लाइट, ये तो हमेशा नहीं चाहिए होता। अगर आप उस वक्त में सांप के टांगने आप भागोगे, चाहे आपकी हड्डी टूट जाए, तो वो एक
लास्ट रिजॉर्ट है। नॉर्मली हमें पैरासिम्पथेटिक मोड चाहिए, रिलैक्स, लो रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड, कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, ऑरा, उसे पैरासिम्पथेटिक मोड बोलते हैं। सो ऑल वैदिक साइंस इंक्लूडिंग योग टीचेस अस कि सिंपथेटिक मोड से पैरासिम्पथेटिक मोड की तरफ कैसे चलें। तो अगर मैं पैरासिम्पथेटिक मोड में हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं करेगा, मेरी पल्स फ्लक्चुएट नहीं करेगा, स्पॉन्टेनियसली मेरे को पहले पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और बोलने से पहले मेरे को समय मिलेगा सोचने का। सिंपथेटिक मोड में आप क्या होगा, उसने जवाब दिया, आप फट 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 जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हो, सोचने का टाइम ही नहीं ले रहे हो। एक और बात कही जाती है कि जब आपको पॉजिटिव अप्रोच रखनी है तो आप अपने आप से भी पॉजिटिव बात कीजिए। यू नो इसका एग्जांपल बड़े आसानी कुछ लोग दे देते हैं कि आपका प्लेन मिस हो जाता है और कई बार देखने में आया कि आप बहुत दुखी हैं, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन सडनली पता चलता है वो प्लेन क्रैश हो गया, तो आप कहते हैं कुछ अच्छा हुआ, देखो मेरा भगवान ने पहले से ही सोच के रखा था। तो किस तरह से अपना इसका भी तरीका यही है कि जैसे मैंने अंताक्षरी बोली पॉजिटिव वर्ड्स की, वैसे ही आप अंताक्षरी के लिए पॉजिटिव हैपनिंग्स की। समबडी गिव्स एन एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा सिंपल टेस्ट हम करते हैं कि आप पिक्चर हॉल में बैठे हो और पिक्चर का एक क्लाइमैक्स चल रहा है और आपके सामने जो है वो एक लंबा आदमी आके बैठ जाता है और उससे आपका क्लाइमैक्स दिख नहीं रहा, तो आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी? अगर आप ये कहते हो कि मैं उसको बोलूँगा कि तू साइड पे हो जा, तो वो सिंपथेटिक रिएक्शन है। पैसे उसने भी दिए हैं, पैसे आपने भी दिए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उसकी क्या गलती है? Why should you make him uncomfortable so that you are comfortable? और अगर आप ये जवाब देते हो कि मैं हो जाऊंगा ट्रेड आउट करके देखूंगा, आप शिफ्ट हो जाए तो वो पॉजिटिव है। तो ऐसी सिचुएशंस अगर हम एग्जांपल्स दें लोगों को और उसकी एक्सरसाइज करें, दिस इज व्हाट आई डू। सो वी पिक अप 30-40 एक्सरसाइजेस एंड देन वी गिव देम मेक देम प्रैक्टिस। तो बच्चों की ट्रेनिंग के अंदर में शुरू से ही आपको स्टोरी टेलिंग के अंदर में या आपको इस तरीके की सिचुएशंस के साथ में लोगों को ट्रेन करना होगा माइंडसेट को कि पहले आपने पॉजिटिव सोचना है। माइंडसेट की आप बात करते हैं तो आपको लगता नहीं है कि जिस तरह की आपने बोला कि हम शुरू से ही बच्चों को इस तरह से बोलते हैं नो 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 और उसकी थिंकिंग जो है नेगेटिव हो जाती है, आपको लगता है इस तरह के कुछ कोशिश होनी चाहिए कि स्कूलों में सिलेबस में कुछ इस तरह के अप्रोच, इस तरह के लेसन इंट्रोड्यूस किए? बस स्कूल में हो या ना हो, घर में तो कर सकते हैं, मोहल्ले में तो कर सकते हैं, RWA कर सकती है स्कूल का, हर चीज हम स्कूलों पे ही क्यों डालें? ये जो संस्कार हैं ये तो घरों में दिए जाते थे। आप घर के मोहल्ले के लड़कों का ग्रुप बनाइए, आप अपनी RWA को बोलिए, अपनी कॉलोनी में बोलिए, अपने घरों में बोलिए, कहकर कॉलोनी नहीं है तो आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली है सबके बच्चे मिलें और आपस में इसकी एक्सरसाइज करिए। अगर आपको चैलेंज ही करना है तो इसका चैलेंज करिए कि मेरे को जीतना है करके। सो पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एक्सरसाइजेस, ये एक चीज है जिसको प्रमोट करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी यहाँ पे और हमारे व्यूअर्स को काफी हद तक समझ में भी आ गया होगा कि आजकल की जिंदगी जो है बहुत स्ट्रेस से भरी है, लेकिन शुरुआत आप कर सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच रखिए और पॉजिटिव अप्रोच के जरिए डॉक्टर ने बहुत अच्छे से आपको बताए हैं, आसान शब्दों में बताए हैं कि आप खाना अच्छा खाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप पॉजिटिव लोगों की संगति रखिए और आप अच्छा बोलिए और आप देखिए आपके जीवन में किस तरह से चेंजेस आ जाते हैं। तो डॉक्टर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।